हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतनाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जो हरा चना होता है उसकी जो कच्ची पत्तियां होती है उसकी आज हम चटनी बनाएंगे। बहुत ही मस्त बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अभी हमारे मतलब जो गाँव में खेतों में ये जो हरे चने उग रहे हैं उनकी जो छोटी छोटी कच्ची पत्तियाँ होती हैं तो उसकी आप बना सकते हो क्योंकि अभी फ़िलहाल इनका सीज़न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कुछ पत्तियाँ ली इन हैं। पत्तियों को हम पानी के अंदर उबाल लेते हैं ढक्कन लगा के लगभग 4-5 मिनट तक। और ये देखिए सिर्फ 4-5 मिनट में ये उबल के रेडी हो जाते हैं। मैंने इनको अलग बर्तन में निकाल दिया, पानी इनसे हटा दिया है और निचोड़ लिया है। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी था उसको हटा दिया है। तो चलिए अब हम चटनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है, फ्राई पैन। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, लगभग 2 छोटी चम्मच। और इसके अंदर मैंने डाल दिया जीरा। तो जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे एक प्याज, छोटे साइज़ का प्याज लिया है मैंने यहाँ पे, जिसके बड़े पीसेस किए हैं थोड़े। तो ये देखिए प्याज और एक हरी मिर्ची ली है। अब हम इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। आज हम इनकी चटनी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है हरे चने की चटनी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, अभी फ़िलहाल इनका सीज़न है तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़रूर पता है, आपने खाई भी होगी। और नहीं खाई है तो प्लीज़ आप बना के खाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगती है आपको ये चटनी। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक टमाटर और इसको भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची को हमें बिल्कुल अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए अब हमने जो मसाले लिए थे वो डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इससे क्या है कि हमारी चटनी का टेस्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। लहसुन से बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। तो आप जब भी चटनी बनाएं तो चटनी में ज़रूर डालें लहसुन, इससे बहुत टेस्टी बनती है। अब मैंने जो कच्चा हरा चना की जो पत्तियाँ ली थी वो डाल दी हैं। उनको हमने निचोड़ लिया था, पानी से हटा दिया था। और कुछ सूखे मसाले, तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाली है और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। अब हम इन सभी मसालों को बिल्कुल अच्छे से कर देंगे मिक्स, ये देखिए। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है जिससे हमारी जो चटनी है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ये देखिए अब सिर्फ 2 मिनट में हमारी जो चटनी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और कलर भी बहुत ही मस्त आया है और खाने में तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो आप एक बार इस चटनी को ज़रूर बनाना, खाना, सबको खिलाना, सबको बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।